गाइस नमस्कार, मैं भाविश गजपाल लक्ष्य विद भाविश गजपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही कोई मैं नया इंपॉर्टेंट वीडियो डालू, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डालू, आप तक वो तुरंत पहुंच सके, वो स्किप ना हो आपसे। ठीक है, तो आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम ये पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, राणगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन, छत्तीसगढ़ का पार्ट टू। जिले के गठन संबंधी मैं बारी बारी से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि राजपत्र 20 अक्टूबर 2021 की तिथि में जारी किया जा चुका है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी, चार नए जिले बनने की, जिनमें से तीन जिलों से संबंधित राजपत्र 20 अक्टूबर 2021 को ऑफिशियल साइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, घोषित किया जा चुका है। उसी का ये कटिंग आपको दिख रहा है राजपत्र का, ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर और जनसंपर्क विभाग के साइट पर इसी ये मिल जाएगा आपको। तो इसको विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको जो विभाजन के बाद कौन कौन से नए क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, कैसे आप उसको देख पाएंगे, कैसे आप उसको पढ़ेंगे, ये सभी इसमें बताऊंगा। कौन कौन से नए स्पॉट उन जगहों पर चले जाएंगे ये आपको मैं बारी बारी से बताने वाला हूं आज के वीडियो में, ठीक है। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, पार्ट वन आपने नहीं देखा है शक्ति जिले से संबंधित, तो आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं, है ना, इसके और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लिए आप, टेलीग्राम पे जाकर या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा आपको। तो रायगढ़ एवं बलौदा बाजार से अलग होगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ का सारंगढ़, बलौदा बाजार का बिलाईगढ़, और नया जिला यह अस्तित्व में आएगा। चौथे जिले के राजपत्र जो मनेन्द्रगढ़, कोरिया का मनेन्द्रगढ़ है, उसके लिए राजपत्र इसलिए प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि उसका जो मुख्यालय है उसके लिए विवाद चल रहा है, ठीक है, दावापत्ति मंगाए गए हैं। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नवीन जिला बनाने, है ना, राजपत्र में प्रारंभिक सूचना प्रकाशित की गई है। कब? छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में 20 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराई गई है, मतलब अगले सीजीपीएससी के लिए आपको पूरे 32 जिलों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में एसीएफ रेंजर जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप 28 जिलों के हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सारंगढ़ एवं बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटापारा से अलग होगा कौन सा, रायगढ़ एवं बलौदा बाजार भाटापारा से अलग होगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। संभाग कौन सा होगा, बिलासपुर संभाग होगा, ठीक है, कौन संभाग से अलग हो रहा है, बिलासपुर संभाग में यह नवीन गठन होने जा रहा है। तो जिला रायगढ़ के उपखंड सारंगढ़ सब डिवीजन जो है, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा जिला बलौदा बाजार के भाटापारा के उपखंड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनने जा रहा है, ठीक है, इसका सृजन किया जाएगा। तो नवीन जिले की सीमाएं क्या होंगी, उत्तर में तहसील पुसौर, ठीक है, जिला रायगढ़ का तथा तहसील डबरा जिला जांजगीर चांपा का, दक्षिण में तहसील सरायपाली जिला महासमुंद का, पूर्व में तहसील अंबाभौना, ठीक है, जिला बरगढ़ उड़ीसा का, ठीक है, पश्चिम में तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा का, ठीक है। ये आपका अस्तित्व में आएगा, ये राजपत्र का ऑफिशियल जो है वो प्रपत्र है जिसको मैंने कटिंग करके यहां पर मर्ज किया हुआ है, अपने से कुछ नहीं डाला हूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, कुछ और बिंदुओं की, नए नए जो क्षेत्र इसमें जो शामिल होंगे, देखिए पूरा बता दिया हूं यहां पर, इसके पहले मैं बता देता हूं क्या क्या इसमें शामिल होगा। तो तहसील कौन कौन से होंगे नवीन जिलों में, तो सारंगढ़ होगा, बरमकेला सरिया होगा और बिलाईगढ़ होगा। कितने तहसील होंगे, तीन तहसील होंगे। नया जो जिला बनेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसमें तीन तहसील आपको देखने मिलेगा, ठीक है, रायगढ़ से सारंगढ़ तहसील और बरमकेला सरिया जो तहसील है इसमें शामिल हो जाएगा, और साथ ही बिलाईगढ़ बलौदा बाजार से। तो कितने तहसील होंगे आपको देखने मिल रहे, तीन तहसील अभी वर्तमान में, प्रस्तावित जो होगा वो अलग है, है ना। विकासखंड कितने देखने मिलेंगे, सारंगढ़ बरमकेला सरिया और बिलाईगढ़, विकासखंड भी आपको तीन देखने मिलेंगे यहां पर। विधानसभा क्षेत्र आपको देखने मिलेंगे सारंगढ़, जो कि एससी सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट का सीट है, ठीक है, सारंगढ़, और बिलाईगढ़ भी एससी सीट है, बिलाईगढ़ भी क्या है, एससी सीट है, इसलिए दोनों को मर्ज किया गया है। नगर पालिका परिषद आपको देखने मिलेगा सारंगढ़ का, कहां का, सारंगढ़ का, ठीक है। परियोजना जो है किंकारी परियोजना, जो किंकारी नाला बरमकेला में पड़ता है, और पुटका परियोजना, पुटका नाला सारंगढ़ में जो है, ठीक है, आता है। ये दोनों परियोजनाएं नवीन जिला के अंतर्गत आ जाएंगी, अब इसे रायगढ़ जिला के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जलप्रपात कौन कौन सा, माडुसिल्ली जो जलप्रपात था बरमकेला का, वो अब सारंगढ़ जिले में आ जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यारण्य गोमरडा है,
वो अब सारंगढ़ जिले का, बिलाईगढ़ जिले का हिस्सा होगा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1975 से की गई थी और 278 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। पुजारी पाली जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, 60वीं से 8वीं शताब्दी में केवटिन मंदिर का निर्माण, जो कि एक शिव मंदिर है, इसका निर्माण यहां पर कराया गया था। तो पुजारी पाली ये पुरातात्विक स्थल आपको अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हिस्से में देखने मिलेगा। आगे मैप में भी बताऊंगा। बार देवगांव, जो बार जो क्षेत्र है, ठीक है, जो जांजगीर, जो रायगढ़ का हिस्सा था, वो अब आपको सारंगढ़ के हिस्से में देखने मिलेगा, बिलाईगढ़ के हिस्से में देखने मिलेगा। मौर्यकालीन सिक्के यहां से प्राप्त हुए थे, तो ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। दोनों क्या है भाई, ये पुरातात्विक स्थल है। अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ नवीन जिले के हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, ठीक है, अब इसे हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तब ये रायगढ़ का हिस्सा था, नेतृत्व करता था उसमें धनी राम एवं जगत राम, धनी राम एवं जगत राम। बिलाईगढ़ में बिल्बी का किला आपको देखने मिलेगा, जो कि अब नवीन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का हिस्सा होगा। बिल्बी का किला अब आप कहां पढ़ेंगे, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, संयुक्त रूप से नाम है इसका, ठीक है, बिल्बी का किला, जिसके नाम से इसका नाम बिलाईगढ़ पड़ा है। चलिए, ये आपको देखने मिल रहा है मैप, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इस मैप में ये रायगढ़ जिला है और ये आपका बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार जिले का ये हिस्सा और रायगढ़ जिले का ये हिस्सा आपको कटकर अलग दिखने मिलेगा ये, ठीक है। तो दोनों मिलकर मतलब दो जिलों का पुनर्गठन हो रहा है, रायगढ़ का, बलौदा बाजार का, और उससे एक नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अस्तित्व में आ चुका है। 20 अक्टूबर 2021 की तिथि में राजपत्र प्रकाशित हो चुका है इसका, है ना। यहां से और यहां से कटकर अलग हो जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या क्षेत्र आ जाएंगे, ये बिलाईगढ़ तहसील आ जाएगा, इसके अंतर्गत सारंगढ़ तहसील आ जाएगा, भरमकिला तहसील आ जाएगा, और ये तीनों ही क्या है, विकासखंड भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका पुजारी पाली, जिसमें 7वीं से 8वीं शताब्दी का मंदिर है, शिव मंदिर, केवटिन देवी का केवटिन मंदिर, ठीक है, वो इसके हिस्से में आ जाएगा, सारंगढ़ के हिस्से में। बार देवगांव का जो क्षेत्र है, जो मौर्यकालीन सिक्के के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो इसके हिस्से आ जाएगा। ये जो परियोजना है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, जो कि महानदी पर है, अब सारंगढ़ से बिलाई रायगढ़ के लिए वो प्रवेश द्वार होगा, ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ठीक है, ये आपका बाउंड्री पे आ जाएगा, जो कि महानदी पर आपको बहते हुए दिख रही है नीले कलर से, तो उसी पे बना हुआ है, ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। गोमाडा अभ्यारण्य 1975 में 278 वर्ग किलोमीटर एरिया में स्थापित है। ये गोमाडा अभ्यारण्य आपको देखने मिलेगा अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हिस्से में। मतलब किन दो जिलों का पुनर्गठन हो रहा है, रायगढ़ और बलौदाबाजार का। कुल 5 जिलों का पुनर्गठन होगा और 4 नए जिले अस्तित्व में आएंगे। 5 इसलिए क्योंकि ये 2 जिलों से कटकर बनेगा, एक से नहीं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है। अब इस मैप को हम फिर से देख लेते हैं, तो ये आपको बिलाईगढ़ दिख रहा है अलग से, ये बलौदाबाजार जिले का बिलाईगढ़ वाला हिस्सा है, और ये रायगढ़ दिख रहा है आपको अलग से। रायगढ़ के 2 हिस्से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारंगढ़, रायगढ़ जिले के 2 हिस्से कौन कौन से, ये सारंगढ़ और ये बरमकेला, ठीक है। तो सारंगढ़ और बरमकेला दोनों तहसील, और ये बिलाईगढ़, ये तीनों तहसील आपस में मिल जाएंगे, तीनों विकासखंड आपस में मिल जाएंगे और नवीन जिले के रूप में अस्तित्व में आएंगे। 1, 2, 3 ये यहां जाकर चिपक रहा है, ठीक है। इसकी सीमाएं आपको मैंने राजपत्र के अनुसार बता चुके हैं, जैसे कि उत्तर में आपको तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तथा तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा का देखने मिलेगा, ठीक है। दक्षिण में तहसील सरायपाली जिला महासमुंद का, पूर्व में तहसील अंबा भौना जिला बरगढ़ उड़ीसा का, पश्चिम में तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा का, ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा। इस प्रकार से ये अस्तित्व में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद हम लास्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम, ठीक है, कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग होते हुए देखेंगे और आपका राजनांदगांव जिले से मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी को हम अलग होते हुए देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मैं आगे और भी वीडियोस आपको यूट्यूब में फ्री में डालते जाऊंगा। धन्यवाद। देखने मिलेंगे कि कौन कौन से दर्शनीय हॉटस्पॉट यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुंजी दमाऊ धारा की, जो कि जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनसे संबंधित स्पॉट है। ये अब नवीन शक्ति जिले का हिस्सा होगा, अब ये जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा आपको 5 तहसील शक्ति, नवीन बाराद्वार या नया बाराद्वार, माल खरौदा,
जय जयपुर और डबरा आपको देखने मिल रहा है। 5 तहसीलों को लेकर यह अस्तित्व में आएगा और एक छठवा अड़भार प्रस्तावित है। इसके अलावा एक और आपको देवी का मंदिर दिखेगा, अड़भार अष्टभुजी देवी का मंदिर, जो अब नवीन शक्ति जिले का हिस्सा होगा। कहां? अड़भार में। अड़भार एक तहसील बनने वाला है, प्रस्तावित है। इसके अलावा आप